हेलो भाई, मैं हूँ सोनू सैनी। तो यार आज हम बात करेंगे इस मारुति सुजुकी की गाड़ी के बारे में, जो कि है आर्टिगा VXI CNG। तो यार आप सबको पता ही होगा, ये मारुति सुजुकी की CNG कार्स में 7 सीटर में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है। ये 7 सीटर में मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सेल यही होती है गाड़ी, क्योंकि ये CNG में है, VXI मॉडल है और ये CNG में। तो अगर मैं इस गाड़ी की एक्सशोरूम की बात करूँ, इस गाड़ी का 10,78,000 एक्सशोरूम प्राइस है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको वो दिखा देता हूँ, इसकी CNG कहाँ पे है, किस हिसाब से फिट है। तो देखो यार, ये इस गाड़ी में CNG फिट हुई, देख सकते हो। ये ना प्रॉपर कवर की हुई होती है, ये देखो ऐसे, मतलब पता भी नहीं चलता यहाँ पे CNG फिट है इस गाड़ी में। इस तरीके से प्रॉपर कवर है। अगर आपको कोई सामान वगैरह भी रखना है ना, तो प्रॉपर आप इसके ऊपर रख सकते हो, कुछ बैग वगैरह थोड़ा सा। और आपकी ये सीट्स वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे ऐसे रिक्लाइन हो जाएंगे पीछे तक। देखो ये ऐसा कुछ, और रियर के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं इसमें। और पीछे की मैं स्पेस की बात करूं, तो अभी ये सीट्स बिल्कुल सेंटर वाली है जो पीछे है, तब भी इतना स्पेस रहता है इसमें, देख सकते हो सेंटर में। तो यार ये गाड़ी ना सबसे ज़्यादा बिकती है, आपको पता ही है, और इतनी ज़्यादा डिमांड है ना इस गाड़ी की, आर्टिगा VXI CNG की, मतलब कमर्शियल में सबसे ज़्यादा चलती है गाड़ी। अगर मैं बात करूँ ना इस गाड़ी की इंजन की, तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है 1500 cc का। और अगर मैं इसकी रियर प्रोफाइल की बात करूँ, तो रियर की टेल लाइट ऐसी कुछ मिलती है इसमें, देख सकते हो आप। और सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है। और इसमें रिवर्स में चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, कैमरा वगैरह इसमें नहीं आता क्योंकि VXI मॉडल है। और यहाँ पे ऊपर आपको CNG की बैजिंग मिल जाती है, देख सकते हो ऊपर हाई स्टॉप माउंट लैंप। और बाकी एंटीना वगैरह इसमें फ्रंट में मिलता है, सेंटर में। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ, ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, देख सकते हो। इसमें ना आपको 15 इंचेस के स्टील रिम मिलते हैं, अलॉय व्हील इससे अपर वेरिएंट आता है, एक ZXI उसमें मिलते हैं आपको अलॉय व्हील। अगर टायर साइज की बात करूँ, 185/65 R15, तो सेम टायर साइज इसके अपर वेरिएंट में आता है ZXI में, बट उसमें बस अलॉय व्हील आ जाता है आपका। और इसमें व्हील आपके व्हील कवर्स लग जाएंगे क्योंकि स्टील रिम है। और ऐसी कुछ है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यार ये गाड़ी ना इसलिए सबसे ज़्यादा सेल होती है क्योंकि 7 सीटर इस प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट है गाड़ी CNG में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेल होती है गाड़ी। और फ्रंट लुक ऐसी कुछ मिल जाती है इसकी, VXI मॉडल से ही आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, ऐसा कुछ देख सकते हो। और हेलोजन हेडलाइट भी मिलती है साथ में, और नीचे फोग लैंप की स्पेस दी गई है, बट फोग लैंप है नहीं इसमें, आप इंस्टॉल करवा सकते हो बाद में। और फ्रंट की ग्रिल ऐसी कुछ मिल जाती है इसकी, आर्टिगा VXI की CNG की क्रोम लगा है जिसमें, सेंटर में मारुति का लोगो मिल जाता है आपको। और ORVM की बात करूँ, साइड मिरर आपको इंडिकेटर ORVM के ऊपर ही मिलते हैं, और ये ऑटो फोल्डिंग एंड ऑटो एडजस्टेबल दोनों है। और अब चल के इसके इंटीरियर की बात करता हूँ मैं। अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ, इसमें आपको बीच कलर का आपको मिल जाता है इसमें इंटीरियर, देख सकते हो सारा। और ड्राइवर साइड डोर पर आपको ऑल 4 पावर विंडोज और लॉक अनलॉक और ऑटो फोल्डिंग ORVM का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑटो एडजस्टेबल का। और इसमें टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब चारों दरवाजों पे स्पीकर मिलते हैं इसमें एक एक। और ड्राइवर साइड सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है इसमें। और अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, ऐसा कुछ मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डोर क्लोज करते हैं, व्हील आपको D-cut मिल जाता है इसमें, इस तरफ आपको म्यूजिक कंट्रोल्स, और नीचे आपके जैसे कॉल आता है किसी का उठा सकते हो, कट कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका ये फ्यूल और CNG पे शिफ्ट करने का बटन देख सकते हो, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिल जाता है यहाँ पे, और हेडलाइट लैबरर मिल जाता है, और थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है नीचे रखने के लिए कुछ, और ऐसी कुछ की मिल जाती है इसमें आपको, लॉक एंड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 8000 तक RPM मीटर मिल जाता है, और 220 तक टॉप स्पीड मिल जाती है इसमें। और MID में दिखा देता हूँ क्या कुछ फीचर्स हैं, ऐसे कुछ है, एक सेकेंड एयर ऑफ कर देता हूँ। अब देखो ऐसा कुछ है, टॉर्क, पावर, एक्सल, ब्रेक, टोटल CNG मोड टाइम, और बाकी CNG की आपको ये पता लग जाएगी कितनी CNG अभी एग्जैक्ट इसमें, और ऐसा कुछ यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इसकी, सेंटर में म्यूज़िक सिस्टम ऐसा कुछ मिल जाता है इसमें, 2D का म्यूज़िक सिस्टम है बट ये टच, बट ये सेमी टच कहते हैं, जिसमें सिर्फ ये सेंटर में छोटी सी डिस्प्ले है इसमें, FM और रेडियो ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट होकर आपके म्यूज़िक वगैरह चल जाएंगे इसमें। सेंटर में यहाँ पे 1000 लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, और AC के कंट्रोल्स इसमें मैनुअल मिल जाते हैं। और नीचे यहाँ पे USB का पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिनमें आपकी
एसी की कूलिंग्स आती है, जिसकी वजह से आपकी जैसे पानी की बोतल या कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल छोटी सी कुछ रखे वो चिल्ड रहेगी। और 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स रहता है, सेंटर कंसोल ऐसा कुछ रहता है आपको। यहाँ पे 12-volt पावर सॉकेट मिल जाती है और ऐसा कुछ है, देख सकते हो डोर को ड्राइवर साइड डोर। और बात करूँ इस तरफ ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ मिल जाता है स्पेस। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे मैनुअल लाइट मिल जाती है इस तरफ, और डे नाइट IRVM मिल जाता है आपको। इस तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल है। और रियर के एसी वेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ से मतलब ऐसे आगे से कूलिंग जाती है तो। और पीछे फैन स्पीड वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको चल के। और अभी सीट पूरी पीछे है, आगे करें अब पीछे से दिखाता हूँ मैं स्पेस वगैरह। ये देखो यार, पहले तो ना ये दरवाज़ा ही देखो पीछे का इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छी है इसमें बैठने के लिए, ज़्यादा बड़ा है मतलब इसका रियर का डोर। और अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ से इसको सीट को रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो, अभी बिल्कुल 90 degree पे स्ट्रेट है ये, इसको आप प्रॉपर रिक्लाइन भी कर सकते हो, देख सकते हो आप 120 degree में आप इसको पीछे रिक्लाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको रियर में स्पेस वगैरह, तो स्पेस तो यार बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, नो डाउट। और बाकी इसको आप अभी आगे भी कर सकते हो काफ़ी, और पीछे मतलब आप इस गाड़ी में 7 लोग आराम से इजीली बैठ के कहीं भी जा सकते हो, ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रियर के एसी वेंट्स के कंट्रोल, यहाँ से एयर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी अपनी एसी के वेंट्स दिए गए इसमें पीछे 4, और ऐसे कुछ है बाकी तो। और रियर में भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है इसमें बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी नहीं बैठना तो आप पीछे की सीट से रिक्लाइन करके पीछे बूट स्पेस बना सकते हो। और तो यार कमेंट करके बताना भाई क्यों ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल होती है। और इसमें CNG वगैरह तो यार आपको पता ही होगा, 10 kilo आती है आई थिंक इसमें CNG जो फिल होती है, और बाकी किलोमीटर वगैरह चल जाती है काफ़ी अच्छी इसमें। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है यार ये कमर्शियल के लिए, और वैसे भी किसी ने लॉन्ग रूट के लिए जैसे ज़्यादा चलती है गाड़ी तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट है ये आर्टिगा VXI CNG। और प्राइस पॉइंट भी यार कुछ ज़्यादा नहीं है, 10,78,000 है इस गाड़ी का एक शोरूम, और उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है यार गाड़ी ये, और काफ़ी बड़ी भी यार, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है यार। तो यार भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ना मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।